तो एम इलेवन के यहाँ पे जो रॉयल पास का आरपी का मिशन है, तुम लोग देख सकते हो ब्लास्ट ऑफ द डोर ऑफ सीक्रेट रूम 5 टाइम। इसे इजिली यार तुम लोग 2 या फिर 3 मैच के अंदर इजिली यहाँ से कंप्लीट कर पाओगे। तो इसलिए अनरैंक तुम लोग यहाँ पे अनरैंक के अंदर यार लिविक मोड लगा लेना, तो इससे तुम लोग का रैंक में भी कोई माइनस नहीं लगेगा। एंड चाहे तो सोलो यहाँ पे तुम लोग खेलना है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम लोग को ये सीक्रेट डोर सिर्फ एक्वीडक के अंदर देखने को मिल जाएगा। तुम लोग को एक्वीडक के अंदर यहाँ पे लैंडिंग करना है, वहीं पर सीक्रेट डोर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कोई लोकेशन है नहीं, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे तुम लोग को देखने को मिलेगा एंड तुम लोग को 5 यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना होगा। एक्वीडक के अंदर आने के बाद तुम लोग को एक वेपन यहाँ पे देखना होगा। वेपन लेने के बाद तुम लोग को साइड में ये वाला सीक्रेट डोर देखने को मिल जाएगा। तो ये लोकेशन में लगभग 2 सीक्रेट डोर रहेगा, तो तुम्हें वेपन की मदद से सीक्रेट डोर के एक्वीडक के अंदर आकर डिस्ट्रॉय करना है एंड वापस किसी एनिमी या फिर कोई ग्रेनेड मॉली से तुम लोग यहाँ पे डेड हो जाना है, तभी काउंट होगा। एग्जिट करने से बिल्कुल काउंट नहीं होगा। डिस्ट्रॉय करके तुम यहाँ पे फिनिश हो जाओगे, किल हो जाएगा एनिमी से। तुम लोग जैसे अपने मिशन में आओगे, तो मैंने यहाँ पे 2 डिस्ट्रॉय किया था, तो मेरे यहाँ पे 2 इजिली काउंट हो जाएगा। तो वैसे करके तुम लोग यहाँ पे 5 यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना होगा मिशन के लिए।